वेलकम बैक टू इडेस विद अनदर लर्निंग वीडियो। तो समझते हैं आज के मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा, जो हमने ये ट्रेड यहाँ पे हमने ये कैप्चर किया, ये वाला मोमेंट कैप्चर किया, ये कैसे किया और फेक ब्रेकआउट का कैसे पता किया। सबसे पहले ये समझो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, इस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आपको कैसे ऐसा दिखे क्योंकि ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है और मार्केट इस रेंज में है, जब मार्केट नीचे या ऊपर ब्रेकआउट दे, सपोज मान लो मार्केट ऊपर कैसे ब्रेकआउट दे, आपने यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनाने लग पड़ते हो इस जगह पे, ठीक है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे अपना एसएल रख लेते हो, या कई लोग तो यहाँ पे एसएल रख रहे होंगे और जो उनका स्टॉप लॉस है यहाँ पे और टारगेट ऐसे ऐसे रखते होंगे। तो ये बहुत गलत है, इस तरीके से आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो आप डायरेक्ट एंट्री मत लो ऐसे कभी भी। इसके पीछे का भी रूल होता है, जो कोई पैटर्न का ब्रेकआउट होता है उसके पीछे एक रूल होता है ट्रेड लेने का। इसमें क्या रूल है, जब ट्रेंड लाइन का जब यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है इसमें ट्रेड लेने का क्या रूल है, इसको समझो पहले। बनानी है तो करना क्या है, रेक्टेंगल टूल की मदद से जो स्विंग हाई है, ये जो ट्रेंड लाइन का स्विंग हाई है, इस पर ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। अगर मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करे, यहाँ पे तो ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल गया पर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी होती है, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट दे फिर यहाँ पे आप एंट्री बनाओ और यहाँ से आप लॉन्ग की तरफ जा सकते हो। ये एक अच्छा मेथड होता है ट्रेड लेने का। तो इस मेथड के जरिए से भी आप फेक ब्रेकआउट का पता लगा सकते हो। ये अब नीचे का कैसे होगा, नीचे का देखो, जब नीचे का यहाँ पे ब्रेक डाउन दे या इस जगह पे ब्रेक डाउन दे तो हमने यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी होती है शॉर्ट के लिए। जैसे आप यहाँ शॉर्ट के लिए एंट्री बना लेते हो, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा आपका और यहाँ नीचे आप टारगेट के लिए रख देते हो, ये बहुत गलत है। यहाँ पे आपने ऐसे कभी भी नहीं करना है। करना क्या है, आप फिर से रेक्टेंगल टूल की मदद लो, स्विंग लो है, ठीक है, तो ये वाला स्विंग लो है, आप यहाँ से इसको ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे और यहाँ पे रीटेस्ट दे दे, जहाँ यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, पर यहाँ पे क्या होता है आपका जो स्टॉप लॉस है इस जगह पे आएगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा जाता है अगर डायरेक्ट एंट्री करते हो ब्रेकडाउन पे। अगर रीटेस्ट दे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और यहाँ पे टारगेट आपको एक्सपेक्टेड बड़े ही मिलते हैं। तो ये मेथड होता है किसी भी ट्रेंड लाइन में जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो, तो इस मेथड के जरिए से आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा ये वाला जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल थे ये वाले जो ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे इस जगह पे तो हम यहाँ पे रिटेस्ट लेके बाय की तरफ जाएंगे, अदरवाइज क्या सेलिंग को अवॉइड करेंगे। मैंने ये क्यों बोला था सेलिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि इस जगह से जो है मार्केट सस्टेन कर रहा था बार बार, ठीक है, इस जगह से मार्केट सस्टेन कर रहा था और आज के दिन भी ऐसे हुआ, मार्केट आया यहाँ पे, आया फिर से यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये इवन एक मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल है, ये मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल है। अब ये तो अचानक से ही ये कैंडल बन गया, ये तो पता नहीं लगा पर ये अचानक से कैंडल बना है ये, और बहुत सारे जो लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री बनाई होगी शायद, जिन्होंने कैप्चर किया होगा इन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, तो यही कारण था कि हम यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं गए। पर हमारा यहाँ पे प्लान क्या था वो देखते हैं। प्लान ये था, प्लान डिस्कस किया कि इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट दे तो हम यहाँ पे बाइंग की तरफ जाएंगे। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस जगह पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है, इस जगह पे जब ब्रेकआउट मिला तो क्या हुआ, यहाँ पे ना बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो अग्रेसिव एंट्री कर गए होंगे इस जगह पे, उन्होंने क्या किया होगा यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री लिया होगा, ठीक है, ये स्विंग इन्होंने कैप्चर किया होगा, ये वाला स्विंग जो है, तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे, जिस जगह पे स्टॉप लॉस होगा उन सबका, इस जगह पे ज्यादा बढ़ते नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उन सबका। तो हुआ क्या, पहले उनका स्टॉप लॉस खाया, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस खाया पर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लग पड़ा, यहाँ पे जो बायर्स को फंसा दिया इन्होंने, ट्रैप कर दिया, और यहाँ पे क्या पता लगा कि ये वाला हमें एक फेक ब्रेकआउट दिया है, फेक ब्रेकआउट दिया। इस मेथड के जरिए से आप फेक ब्रेकआउट का पता कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट का हमें पता लगा, और उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लग पड़ा, मार्केट देखोगे यहाँ पे कितना देर रुक गया, यहाँ पे रुका और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक बेस तैयार हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन बन गया,
यहाँ छोटा सा एक लिक्विडिटी जोन बन गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बेस तैयार कर दिया, और बेस तैयार करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमें कंफर्मेशन कैसे मिला। कंफर्मेशन देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि कंफर्मेशन से ट्रेड लिया करो। कंफर्मेशन हमें कैसे मिला, एक तो ये देखो, एक तो ऊपर लाइन का ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिला, और दूसरा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमें दो कंफर्मेशन मिल गए कि एक ऊपर ट्रेंड लाइन है, एक नीचे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो हमें यहाँ दो कंफर्मेशन मिला। तीसरा क्या था, इस ट्रेंड लाइन पे आके रीटेस्ट दिया इस जगह पे, ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन। चौथा क्या हुआ, जो हमारे 44 ईमे है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग दे दिया था, तो हमने क्या किया था, सिंपल सा यहीं पे लॉन्ग पोजीशन बनाया, बहुत छोटा सा एसएल था यहाँ पे, इस जगह पे शायद एंट्री लिया था, इस जगह पे हमारा जो एसएल था बहुत छोटा था, और टारगेट हमारा 1:8 का था, और देखते देखते हम ट्रेलिंग करते करते बहुत दूर तक चल गए। यहाँ इसका जो टारगेट था, अगर टेक्निकल हिसाब से देखोगे, इसका जो टारगेट बन रहा था, इसका टारगेट ये था, पर कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग पे था, क्योंकि मार्केट बंद होने वाला था, इसलिए जो मार्केट इतना हाई नहीं कर पाया, और यहीं पे से थोड़ा सा रह गया, तो कुछ पॉइंट का फर्क था, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।